क्या किसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। कई बार हम गलती से फोन से फोटोज डिलीट कर देते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि आखिर उन फोटोज को वापस कैसे लाएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में डिलीट हुई फोटोज को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। यहाँ मैं आपको दो एप्स से इमेजेस रिस्टोर करना सिखाऊंगी। पहली ऐप है गूगल फोटोज। अगर आपके फोन में गूगल फोटोज है और आपने अपनी फोटोज सिंक की हैं, तो ये तरीका काम करेगा, वरना नहीं। ये है गूगल फोटोज की ऐप, मैं इसे खोल लेती हूँ। यहाँ पर मेरी बहुत सारी फोटोज सिंक्ड हैं, लेकिन हर वो फोटो जो मैंने इस फोन से ली है या बाकी फोन से ली हैं, वो सिंक्ड नहीं है। खैर, हम नीचे स्क्रॉल करके कोई पुरानी फोटो ढूंढ लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ सितंबर 2014 की फोटोज हैं। यहाँ पर सिंगापुर का फ्लायर है और ये अब मेरे फोन में फोटो नहीं है, या शायद मैंने अपना फोन बदल दिया था। अब मैं यहाँ पर ऊपर इधर क्लिक करती हूँ और ये मेन्यू खुल जाता है और इसे देखिए मैं सेव टू डिवाइस कर देती हूँ। इससे होगा ये कि ये जो गूगल के फोटोज के क्लाउड में ये पिक्चर है, ये अब मेरे फोन में रिस्टोर हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको एक एरो सी दिखेगी, मैं इस तरह से जाती हूँ। ये है डाउनलोड मैनेजर और ये जो है डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, मैं इसे क्लिक करके खोल लेती हूँ। ये देखिए, ये फोटो अब मेरे फोन में आ गए। यहाँ पर गैलरी खोलती हूँ, यहाँ पर एल्बम्स में गए। एल्बम्स में आपको अलग से एक फोल्डर दिखेगा जो कि होगा रिस्टोर्ड। जब आप रिस्टोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी रिस्टोर हुई फोटोज को देख पाएंगे। तो ये तो हुआ तरीका गूगल फोटोज से कोई पुरानी इमेज रिस्टोर करने का। दूसरी ऐप जो आप यूज कर सकते हैं वो है रिस्टोर इमेज। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, आइए देख लेते हैं। प्ले स्टोर में आपको इंस्टॉल करनी है रिस्टोर इमेज। रिस्टोर इमेज सुपर इजी, एक्सेप्ट पर क्लिक कर लीजिए। ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ओपन के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द इमेज दैट कैन बी रिस्टोर्ड एंड द इमेज दैट कांट बी फाउंड। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी इमेज हो जो कि रिस्टोर हो सके और ऐसी जो कि आपको ना मिले। ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इमेज है जो काफ़ी टाइम तक सेव्ड थी तो वो फिर शायद रिस्टोर हो सके, लेकिन अगर आपने जैसे ही इमेज को सेव किया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया तो हो सकता है कि वो रिस्टोर ना हो। और अगर आपके पास कोई क्लीनर ऐप है और आपने अपना कैश क्लियर किया है तो फिर हो सकता है कि कुछ इमेजेस रिस्टोर ना हो पाए। चलिए हम क्लोज के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च द इमेज यू वांट टू रिस्टोर पर क्लिक कर लेते हैं और डिस्प्ले ऑल इमेज क्वालिटी, लो क्वालिटी, मीडियम हाई, सुपर हाई, ये सब के सब सिलेक्टेड हैं। हम डन पर क्लिक कर देते हैं और डिस्प्ले ऑफ ऑल पीरियड्स कर देते हैं, यानी कि हमें शुरू से लेकर अभी तक सब की सब इमेजेस जो हैं वो चाहिए, और डन पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये बहुत सारे फोल्डर्स आ गए, आप देख सकते हैं कि किसी में दो इमेजेस हैं, किसी में आठ। आप चाहें तो आप यहाँ पर फोल्डर का फोल्डर रिस्टोर कर सकते हैं। ये एक फोल्डर है, चलिए हम इधर क्लिक कर लेते हैं। आप इधर चुन सकते हैं कि आपको सबकी सब इमेजेस रिस्टोर करनी है या फिर आपको कुछ ही रिस्टोर करनी है। और अब हम यहाँ पर ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक येलो सा बैंड आ गया है इस इमेज के आगे, और नीचे ये है रिस्टोर वन इमेज का बटन, हम इधर क्लिक कर लेते हैं। वो बोल रहा है सक्सेस टू रिस्टोर, वन इमेज वर रिस्टोर, यानी कि एक इमेज जो है वो रिस्टोर हो गई है। और अगर डेट का एक्यूरेट डेटा है तो फिर ये जो है डेट के साथ रिस्टोर हो जाएगी। चलिए हम क्लोज पर क्लिक करते हैं और अब हम अपनी गैलरी में जाते हैं।
ये रही गैलरी, ये देखिए ये रिस्टोर इमेज है। रिस्टोर इमेज का एक अलग फोल्डर खुल गया है और यहाँ पर क्लिक किया तो ये वही फोटो है जो मैंने अभी रिस्टोर इमेज से अपने फोन में रिस्टोर की है। हम लोग कई बार फोन्स बदलते हैं और फोटोज का क्लाउड में बैकअप लेना भूल जाते हैं। ये दो एप्स आपकी फोटोज रिस्टोर करने में मदद तो करेंगी, लेकिन ये 100% केसेस में इमेजेस रिस्टोर नहीं कर पाती। जैसे मैंने बताया, अगर आपने कोई क्लीनर ऐप इस्तेमाल की है या अपने कैश में से परमानेंटली फोटोज डिलीट की हैं, तो फिर ये काम नहीं करेंगी, पर काफी हद तक ये इफेक्टिव है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू। धन्यवाद।